आज भैया करनी है कमरे की सफाई और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। पोछा तो मुझे लगाना पड़ेगा लेकिन। बेटा फैशन ब्लॉगर हो गए तुम बाहर, घर में तुम काम वाले हो, बावर्ची भी खुद हो, गार्डनर भी खुद हो, समझे? तो आज बहुत दिनों के बाद सफाई तो हो गई है और साथ ही साथ एक और अच्छी चीज हुई है, वो है कि मैं शूट पर जा रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हो मैंने खुद प्रेस करी है, मेरी प्रेस में बेचारी मिट्टी लग गई थी क्योंकि कपड़े प्रेस ही नहीं हो रहे थे, बाहर जाने ही नहीं हो रहा था, जो था वही पहन पहन के ऐसा भाई साहब फाड़ दिए कपड़े। आज एक शूट पे निकले हैं एंड अर्बन गबरू का शूट है जो करना है मुझे दूसरे चैनल के लिए। फाइनली अब अच्छा लग रहा है क्योंकि एक टाइम तक ना ऐसा हो रहा था कि यार शूट कब होगा, लेकिन आज वो घड़ी आ चुकी है तो निकलते हैं भैया। लेकिन सबसे पहले भैया नहा लेते हैं, नहाए बिना मेरे को ना अजीब सा लग रहा है बिल्कुल। तो मेरे साथ मैं एक गंदी आदत बोलूँ या अच्छी आदत बोलूँ, लेकिन जब भी मैं नहाने जाता हूँ ना मुझे म्यूजिक चाहिए होता है, तो मैं अपना ब्लूटूथ स्पीकर ये वाला जो है इसको उठा के ले जाता हूँ और अंदर रख के भाई मज़े से नहाता हूँ। मतलब उस टाइम जो मज़ा आता है ना उन 5 या 10 मिनट में, उस मज़े के मुकाबले कोई मज़ा इस दुनिया में इवन नहीं है। दिस इज़ गोना बी माई होल आउटफिट आज की। इसके नीचे मैं शूज़ पहनूंगा, वो देखते हैं कौन से वाले। फ़ोन आ रहा है, ओके यार कैमरा मैं ले जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो है कि मैं ब्लॉग कर रहा हूँ सुबह से ना, तो मैं वो कंटिन्यूएशन में रखना चाह रहा था। अच्छा। वहाँ पे मैं जाऊँगा तो फिर बीच में कैमरा चला जाएगा, मैं ब्लॉग नहीं कर पाऊँगा। तो प्रॉब्लम थोड़ी सी कुछ ऐसी है कि साहिल के घर पे कैमरा रखा हुआ है और वहाँ पर उसको थोड़ा सा कोल्ड लग रहा है तो वो अवॉइड कर रहा है आना, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड मेरा जो ये वाला कैमरा है जिससे शूट हो रहा है, इससे शूट हो सकता है, लेकिन अभी मैं उससे ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तो ये कन्फ्यूजन है। तो मैंने जीडी को बोला कि वो लेके आ सकते हैं कैमरा या नहीं, बट अभी देखते हैं कि शायद क्या फाइनलाइज होता है। और फिलहाल मैं फटाफट ना रेडी होता हूँ भाई, 2 बजे का टाइम है, लेट जाएंगे। सब कुछ डन है और मेरी एक छोटी सी टिप है, जब भी आपके बाल गीले हो ना उस पर कोम मत करो, मतलब कोम एज इन रगड़ रगड़ के जो करते हो ना वो मत करो, बिल्कुल आराम से जेंटली, क्योंकि मुझे हेयर स्टाइल इस तरफ चाहिए तो आराम से बस इसको इस तरफ करके छोड़ दूंगा, अपने आप सूखेंगे, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसके बाद। प्रोटेक्ट सनस्क्रीन इज ज़रूरी एंड SPF 50 कम से कम रखो भैया अपने पास, वो बहुत ज़्यादा लग गई। फुली सेट, कैसा लग, जादू आने वाला है क्या? रेडी टू रोल, लेट्स गो। बहुत तेज गर्मी है भाई, बार अच्छा हो सनस्क्रीन लगा ली वरना तो रिसेंटली ना अभी मेरा चलान कट गया था 500 रुपए का अगेन, मतलब मेरे ना गाड़ी पे, ये वाली गाड़ी पे अराउंड अभी तक 2500 रुपए तक का चलान कट चुके हैं जब से ये आई है। जो चलान था वो था रॉन्ग पार्किंग का, मेरे पापा मम्मी लेके गए थे, रॉन्ग पार्किंग पार्क कर दी, वो चलान काट के लेके और आ गया, उसको भरना पड़ा। अभी मैंने एक बंदा देखा जो रेड लाइट क्रॉस करके गया, उसे कोई नहीं देख रहा, उसे कुछ नहीं कोई देखेगा, शरीफ लोग सब पकड़ लेंगे, गलती हो जाए तो बस भाई सब चलान पे चलान आ जाएंगे। और हाँ ये गलत था जो हमने किया था, और गलती ऐसा नहीं है कि हम लोग करते रहते हैं, वो एट अ टाइम की गलती हुई जो हुई और उसके बाद फिर भाई भरपाई भी तो करी ना। बस मेरा मेन कंसर्न ये है कि भैया जब हर बंदा ऐसा कुछ कर रहा होता है ना तो हर बंदे को पकड़ने के लिए कुछ सिस्टम होना चाहिए। आई नो ये थोड़ी हाइपोथेटिकल बात है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बात नहीं है, हर किसी को नहीं पकड़ सकते हैं, बट स्टिल शरीफों को कभी कभी तो छोड़ो। टेम्परेचर हो रहा है 34 डिग्री भाई साहब, मेरी हो चुकी है ग्रीन लाइट। एक चीज़ और नोटिस करी मैंने कि बहुत सारे लोग जो डेली पुलिस के हैं, ट्रैफिक पुलिस एंड जो नॉर्मल पुलिस होती है दोनों मिलाकर काफ़ी सारे खड़े हुए हैं, बैरिकेड हर कोने पे लगा रखे हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि 15 अगस्त इज अबाउट टू कॉमेंस एंड यहाँ पर ट्रैफिक मुझे दिख रहा है भाई, नहीं मुझे फंसना नहीं यार प्लीज़। अभी जो आसमान हो रहा है ना दिल्ली का, ऐसा लग रहा है कि भाई कैलिफोर्निया की कोई स्टेट है, क्योंकि इतना प्यारा मौसम है, इतने प्यारे बादल दिख रहे हैं ना। और साथ ही साथ आपको पता है एक अपडेट देता हूँ कि गाड़ी में भी मास्क पहनना नेसेसरी है, 500 रुपये का चलान है, वरना मैंने कटवाया नहीं है बट मुझे पता है कि जिसने कटवाया था उससे मैंने पूछा था, तो भैया गाड़ी में भी मास्क पहन के चलना, बहुत सारे पुलिस वाले हैं आजकल दिल्ली में, कोई ना कोई पक्का रोक लेगा। बढ़िया, फाइनली अराइव्ड। पानी बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़्यादा पसीना निकल गया मेरा, पानी बहुत, और लंबा जाम इतना था कि पूछो मत क्या बोलूं। अभी तो दिल्ली के जाम स्टार्ट नहीं हुए, जब स्टार्ट होंगे तब क्या होगा भाई, बचा लो। खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम पार्ट 2। मैं अपनी आउटफिट दिखाना भूल गया ना, दिस इज माय आउटफिट पूरी की पूरी, थोड़ा शीशा गंदा रखा है, यहाँ ट्राई करेंगे, ये तो उससे भी ज्यादा गंदा है, छोड़ो बाद में दिखाता हूँ। बड़ा टाइम हो गया मिले भी, हाथ सैनिटाइज कर लिया आपने? हाँ फिर ठीक है। ये कुछ सामान आया, इसका शूट होने वाला है, टाटा क्लिक ने आज हमें स्पॉन्सर किया है, नहीं मजाक कर रहा हूँ, टाटा क्लिक ने नहीं किया, मुझे बस ये देखनी है, ये प्रेस ही लग रही है। इसमें यूवी फिल्टर लगा रखा है आपने? हाँ। तो आज हम इस वाले कैमरे से शूट करने वाले हैं, 750D GD का पर्सनल कैमरा है एंड इसमें होपफुली माइक लग जाए।
वेल माय शूट इज़ डन एंड अभी थोड़ा सा बैठा हुआ हूँ, उसके बाद ये सारे आउटफिट पहन के बी रोल्स देने और मेरा बाहर जाने का भाई बिल्कुल भी मन नहीं है। अंदर ले लेंगे बी रोल्स? नहीं, बाहर ही जाना पड़ेगा लगता है, तो वेट करो थोड़ा सा अभी। और ये सही है, अगली बार से ये पहन के आऊँगा। ये नहीं, फर्स्ट आउटफिट का शूट इज कम्प्लीट, वी विल स्विच ओवर टू द नेक्स्ट आउटफिट। सो दिस इज हाउ वी मेनली शूट, इस तरीके से। ये तो अभी फिलहाल छत है फिर भी, लेकिन जब भी लुक बुक शूट होती है तो जीडी किस तरीके से हम करते हैं कपड़े चेंज, गाड़ी के अंदर सड़क पे कुछ नहीं देखते, जहाँ जगह दिख जाए बस वहाँ पे कपड़े चेंज होते हैं। तो ये मेहनत लगती है, फैशन ब्लॉगर या कोई भी ब्लॉगर या यूट्यूबर बनना आसान नहीं है। फिलहाल जो अपना प्लान था वो तो डन है, सारी आउटफिट्स कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ आउटफिट का यहाँ पे दिखाने वाला नहीं है, क्योंकि डिटेल में बताया कि किस तरीके से आपको डिस्काउंटेड प्राइस में कहाँ से मिल जाएगी। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, अरबन गबरू के चैनल पे आप जाके वाली वीडियो देख सकते हो। फिलहाल पैकअप यहाँ से होता है, वी आर गोइंग टू ईट समथिंग नाउ। सो दिस इज़ व्हाट वी गोना ईट। वैसे तो पता है मैंने क्या कर रखा है कि एक हफ्ते में सिर्फ एक बार ही खाना है, लेकिन मैंने संडे को शोर और चाचा के साथ खा लिया था ना, अब थोड़ा सा तोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, भूख लग रही है। ओके, सो द शूट इज़ डन एंड अपना ये सामान लेकर मैं जा रहा हूँ घर वापस, और फिलहाल मेरे को ट्रैफिक मिलने वाला है, तो सुना है मैंने। और फिर चलते चलते आप लोगों को अगर मासेराटी दिख जाए तो क्या बुरी बात है भाई। ओके, आई वॉज सो लॉस्ट इन इंस्टाग्राम स्टोरीज। अगर आपने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया, बहुत चीज़ें मिस कर रहे हो भाई। जो मौसम है ना बाहर का, उसमें सिर्फ एक इफेक्ट लगाया एंड इट्स लाइक अनदर वर्ल्ड। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पे जाके फॉलो करो और देखो स्टोरी में क्या है। द स्काई इज सो ऑसम। मैं मुकुंद को फ़ोन इसलिए कर रहा था कि यार फोटो शूट पर चलते हैं, ये इस अच्छा मौसम नहीं मिलेगा, बट फिलहाल उसने उठाया नहीं, तो आई गेस मैं घर ही जाऊँगा वापस। बट दिस इज रियली सिक मैन। अगर आप दिल्ली में हो और अगर आप, कौन सी अगस्त है ये, 6th अगस्त थर्सडे शाम के 6 बजे इसको इन्जॉय कर रहे हो, आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको, आपकी आँखों को मतलब यू नो फैसिनेट कर सकती है इससे ज़्यादा। फाइनली आई एम एट माई होम एंड आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। जितना ही मैंने दिखाया आपको, बस जर्नी में मैंने साथ रख के जो चीज़ें थी वो दिखा दी थी। एंड अब मेरे को ऊपर जाकर ना पीसी में थोड़ी सी WWE खेलें, क्योंकि आज मेरा आखिरी दिन है, कल वो वापस जाने वाला है, तो होपफुली आज इतने मज़े ले सकते हैं। आज पूरी रात शायद वही खेलूंगा मैं। चलते हैं और आज का व्लॉग एंड करते हैं। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।